अब बाकी फंक्शंस है वो हमने फ्रेम करनी है। बाकी की फंक्शंस फ्रेम करने में ये ध्यान देना है, बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैंने इक्वेशन ऐसे बनानी है या ऐसे बनानी है। जो मेरी इनइक्वालिटी बनेगी वो एक्स और वाई उसमें दोनों होनी चाहिए, तो इट मीन्स आई हैव टू गो लाइक दिस, क्योंकि मेरा एक्स और वाई कॉलम वाइज मैंने लिया है तो इक्वेशन भी मैं कॉलम वाइज बनाऊंगी। अगर मैं ऐसे बना देती हूँ तो 3 भी एक्स के साथ लिंक्ड है, 5 भी एक्स के साथ लिंक्ड है, तो वो मेरी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं बनेगी। तो ये ध्यान रखना है। विटामिन ए फूड पी का जो है वो एक्स क्वांटिटी है, फूड क्यू की वाई क्वांटिटी है, तो एक्स और वाई यानी कि कॉलम वाइज आपने इनइक्वालिटी फ्रेम करनी है। अब फर्स्ट इनइक्वालिटी 3x+4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सेकेंड इनइक्वालिटी बनेगी 5x+2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। कॉस्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, दो इनइक्वालिटीज ये बन गई। दो आपको मैंने कहा था नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव कंडीशंस, ये जो है हमने लेनी ही लेनी है। हर वर्ड प्रॉब्लम के साथ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबसे पहला काम रखो जो आपने इनइक्वालिटी लिखनी ही लिखनी है। तो टोटल 4 बन गई। बाकी जैसे 12.1 में आपने इसको सिंप्लीफाई किया है, इन द सेम वे यू विल सिंप्लीफाई। मेन जो है वो हमारा ये इनइक्वालिटीज को फ्रेम करना है। तो हमने मिनिमाइज करना है जेड को, तो जेड में कॉस्ट ले ली 60x+80y। देन मिक्सचर के लिए हमें कंडीशन गिवन थी कि मिक्सचर में जो विटामिन ए का कंटेंट है दैट इज एटलीस्ट 8 यूनिट्स, जहां पे एटलीस्ट वर्ड आएगा वहां पे आपने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। कम से कम 8 यूनिट्स होनी चाहिए। सो दिस इज द इनइक्वालिटीज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, इसका ग्राफ आप बना लोगे खुद से, ये नोट डाउन कर लो एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एंड इफ एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द स्टेप्स तो साथ के साथ पूछते जाओ, बी क्विक, नोट इट डाउन। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। आप इसका ग्राफ बनाओगे इन केस अगर वो ग्राफ आपका बनता है अनबाउंडेड, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ हमारा अनबाउंडेड ग्राफ बनता है, तो वो आपका सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ, क्योंकि इक्वेशन मुझे आपको बताना था कि कैसे फ्रेम करनी है, तो मैंने ये क्वेश्चन आपका करवा दिया है। अदरवाइज इसका जो आपका ग्राफ बनेगा दैट विल बी एन अनबाउंडेड ग्राफ, तो अनबाउंडेड जो है वो आपका सिलेबस में नहीं है। सिर्फ ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख लो कैसे करनी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका अब जो है वो नहीं आएगा। सो ग्राफ अनबाउंडेड वाले नहीं आएंगे, बट अगर उनकी इक्वेशन फ्रेमिंग है तो ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। उसमें फ्रेम द एलपीपी आएगा, सॉल्व द एलपीपी नहीं लिखा आएगा। इन केस अगर क्वेश्चन में लिखा आ रहा है फ्रेम द एलपीपी, फ्रेम द एलपीपी का मतलब क्या है कि आपने सिर्फ उसकी जो इनइक्वालिटीज हैं वो बनानी है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सो ये क्वेश्चन का ग्राफ डिलीटेड है बट फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन जो है दैट वन इज देयर इन योर सिलेबस। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेकिंग द केक्स। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसने क्या कहा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स जो है, क्योंकि दो तरह के हमें केक दिए हैं,
वन काइंड ऑफ केक के लिए अलग रिक्वायरमेंट गिवन है, सेकंड काइंड ऑफ केक के लिए हमें अलग रिक्वायरमेंट गिवन है, और हमें क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बताना है। तो हम इसके लिए क्या एज्यूम कर लेंगे कि वन काइंड ऑफ केक के एक्स क्वांटिटी जो है वो हम बना रहे हैं, नंबर ऑफ मतलब केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड जो है वो एक्स है, एंड नंबर ऑफ केक्स ऑफ सेकेंड काइंड जो है वो वाई है। क्योंकि हमें नंबर को मैक्सिमाइज करना है तो हमने नंबर को ही एज्यूम किया। तो नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड एक्स एंड नंबर ऑफ केक्स ऑफ सेकेंड काइंड वाई, नंबर है तो आगे यूनिट्स नहीं आएगा। अब केक वन एंड केक टू, अब क्या क्या इसमें गिवन है देखो। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, एक तो फ्लोर चाहिए, एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। फर्स्ट वाले के लिए 200 ग्राम है फ्लोर के और 25 ग्राम है फैट के, एंड द सेकेंड काइंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। तो फ्लोर के नीचे सेकेंड केक था, तो फ्लोर के नीचे जो भी इनका वैल्यूज गिवन है वो आप लिख लोगे। और क्या गिवन है आपको, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, यानी कि नंबर ऑफ केक्स को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ केक्स एज्यूमिंग दैट विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर। तो अवेलेबिलिटी क्या है मेरे पास, 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट। उसने आगे क्या कहा, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेकिंग द केक, यानी कि जो मैं फ्लोर यूज कर रही हूँ वो 5 kg से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि एटमोस्ट 5 kg ले सकती हूँ। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एंड दिस इज अगेन लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो मेरे पास केक बनाने के लिए मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो 5 kg फ्लोर है, 1 kg फैट है, इससे ज्यादा जो है वो हम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए दिस इज लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। अब दूसरी चीज जो आपने ध्यान देना है, जब हम इनकी इनइक्वालिटीज बना रहे हैं तो जो यूनिट है दैट शुड बी सेम। यहाँ पे ये केजी में है, यहाँ पे ये ग्राम में है, हेयर इट इज इन किलोग्राम्स, हेयर इट इज इन ग्राम्स। तो सबसे पहला यूनिट आपको सेम बनाने पड़ेंगे। तो दिस इज 5000 ग्राम्स, 1000 ग्राम। अब यूनिट सेम हो गए, अब हमें आगे करना है। नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड मैंने एक्स लिया है, नंबर ऑफ केक्स ऑफ सेकंड काइंड मैंने वाई लिया है। अब इक्वेशंस फॉर्म करनी है, हमने मैक्सिमाइज करना है जेड को, क्योंकि उसने क्या कहा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स दैट कैन बी मेड। तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं हम जेड को। अब नंबर ऑफ केक्स किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक्स एंड वाई से। तो इट मींस वी आर टू मैक्सिमाइज नंबर ऑफ केक्स, दोनों का सम टोटल शुड बी मैक्सिमम। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं हमें, तो फर्स्ट वन एक्स की सीध में और वाई की सीध में। तो अगेन यू विल गो कॉलम वाइज, 200x+100y एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 5000। सेकेंड इक्वेशन 25x+50y लेस देन इक्वल टू 1000। आप चाहो तो इसमें से कॉमन जो है वो निकाल के कर सकते हो। तो ये मेरी दो इनइक्वालिटीज बन गई, 200, 100, 5000। यहाँ से 100 से डिवाइड करके दिस विल बी 2x+y लेस देन इक्वल टू 50, और यहाँ पे 25 से डिवाइड कर देंगे, सो दिस विल बी x+2y लेस देन इक्वल टू 40। और दो जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमेशा हमने लेनी ही लेनी। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x+y लेस देन इक्वल टू 50, x+2y लेस देन इक्वल टू 50, दोनों लेस देन के साथ हैं, तो इट मींस दिस ग्राफ विल बी बाउंडेड। तो दिस यू विल फॉर्म योरसेल्फ, ग्राफ आप खुद से बनाओगे, और उसमें जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट, आपकी जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी दैट विल बी योर आंसर। ग्राफ प्लॉट करोगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालोगे, कॉर्नर पॉइंट्स को जेड के साथ, यानी कि जिन कॉर्नर पॉइंट्स पे एक्स और वाई का सम मैक्सिमम आ रहा होगा दैट विल बी योर आंसर।
सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर टू. इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री में वी आर हैविंग अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स. दो चीजें बन रही हैं, टेनिस रैकेट्स हैं और क्रिकेट बैट्स हैं. अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम इन इट्स मेकिंग. जब एक टेनिस रैकेट को बनाया जाता है, अब यहाँ पे जो है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि मैन्युफैक्चर हो रही है चीज यहाँ पे. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में ज्यादातर हमें उसकी फिनिशिंग का टाइम गिवन होता है, उसकी मेकिंग का टाइम गिवन होता है. जैसे यहाँ पे मशीन टाइम, कि उसको बनाने के लिए 1.5 आवर्स जो है मशीन, एक मशीन ले रही है एक रैकेट के लिए, और क्राफ्टमैन जो उस पर फिनिशिंग कर रहा है जो भी पर्सन, वो 3 आवर्स ले रहा है. जबकि वाइल अ क्रिकेट बैट टेक्स 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 1 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम. जो क्रिकेट बैट है उसमें मशीन टाइम ज्यादा है, क्राफ्टमैन का जो टाइम है दैट इज लेस. इन अ डे द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 24 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम. एक दिन की अगर हम बात करें तो एक दिन में जो 42 आवर्स से ज्यादा मशीन टाइम नहीं आप ले सकते. अब जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है वो ये है कि एक दिन में 24 घंटे हैं तो हाउ वी कैन टेक 42 आवर्स. तो यहाँ पे जितनी टोटल मशीन्स हैं उन मशीन्स का जो है 42 आवर्स से ज्यादा आप नहीं ले सकते. और क्राफ्टमैन टाइम जितने भी पर्सन वहां पे काम कर रहे हैं, मान लो अगर एक के लिए 3 पर्सन काम कर रहे हैं तो वो 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो टोटल 24 आवर्स से ज्यादा आप नहीं ले सकते क्राफ्टमैन का टाइम. अब दो पार्ट्स हैं इसी में हमें निकालने हैं. फर्स्ट क्या है, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल ऑफ इट्स कैपेसिटी, इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी. अगर जो है फैक्ट्री जितना मैक्सिमम काम कर सकती है, अगर उतना मैक्सिमम काम वो कर रही है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रैकेट्स दैट एंड बैट्स दैट कैन बी मेड. तो इट मीन्स हमें जो है, क्योंकि अगर वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है तो इट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ द जो भी यहाँ पे दो आइटम्स हमें टेनिस और क्रिकेट के जो बैट्स गिवन है वो प्रोड्यूस करेगी. इट मींस वी आर टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स. और सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, इफ द प्रॉफिट ऑन अ रैकेट ऑन अ बैट इज ₹20 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली. रैकेट पे ₹20 है, बैट पे 10% का अगर प्रॉफिट है, तो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन इट वर्क्स एट फुल कैपेसिटी. यानी कि दो चीजें हमें निकालनी है. फर्स्ट पार्ट में वो हमें कह रहा है वी आर टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट्स एज वेल एज बैट्स, एंड द सेकंड पार्ट में वी आर टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो इक्वेशंस जो इनइक्वालिटीज हैं वो अकॉर्डिंगली हमारी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा. तो अब यहाँ पे जो आपका बनेगा, यू कैन सी कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या क्या है, टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट. सो टेनिस रैकेट एंड सेकेंड हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रिकेट बैट. तो लेट द नंबर ऑफ रैकेट्स प्रोड्यूस्ड जो है दैट इज एक्स एंड बैट्स इज वाई. नंबर है तो अगेन नो यूनिट विल बी देयर. टेनिस रैकेट एक्स हो गए, क्रिकेट बैट्स वाई हो गए. अब इन पे दो तरह का टाइम लग रहा है, वन इज द मशीन टाइम, तो ये मशीन टाइम हो गया, और ये क्या हो गया, क्राफ्टमैन टाइम. अच्छा, एक स्मार्टनेस आपने दिखानी है ये कि जो दो चीजें सेम है क्वेश्चन में गिवन है दोनों थिंग्स के लिए, जैसे अब मुझे मशीन टाइम दोनों के लिए गिवन है, क्राफ्टमैन टाइम दोनों के लिए गिवन है, तो जो चीजें गिवन है वो मैंने ऐसे ले ली रो वाइज, और जो अलग अलग चीजें हैं वो मैंने कॉलम वाइज ले ली. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट आप इधर ले लो, और जो मशीन टाइम है और जो क्राफ्टमैन टाइम है वो इधर ले लो. बट उसमें फिर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो रो वाइज अपने कॉन्स्टेंट्स बनाने होंगे. तो एक ही तरह की हैबिट डाल लो, चाहे आप उसको रो वाइज करो प्रैक्टिस, चाहे आप उसकी प्रैक्टिस कॉलम वाइज करो. मैं कॉलम वाइज करवा रही हूँ. जो डिफरेंट थिंग्स हैं उनको एक कॉलम में लिख लो,
जो सेम थिंग्स है मतलब कॉमन चीजें हैं दोनों की उनको रो वाइज लिख लो. तो दिस विल बी इजी फॉर यू टू मेक द टेबल. नाउ फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो क्या कह रहे हैं, टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम. ये ले रहा है 1.5 आवर्स और ये ले रहा है 3 आवर्स. एंड क्रिकेट बैट 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम 1 आवर ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम. और मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी है मशीन टाइम नॉट मोर देन 42 आवर्स तो लेस देन इक्वल टू 42, क्राफ्टमैन टाइम नॉट मोर देन 24 तो लेस देन इक्वल टू 24. सो अब वी आर टू फ्रेम द इक्वेशन. फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी. इफ द फैक्ट्री इज वर्किंग एट इट्स फुल कैपेसिटी देन इट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स. सो वी आर टू मैक्सिमाइज जेड एंड नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स है तो एक्स प्लस वाई. तो जेड आ जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई फॉर द फर्स्ट पार्ट. अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम. अब सेकेंड पार्ट के लिए एक कंडीशन हमें और साथ में दे दी गई कि प्रॉफिट ऑन अ रैकेट इज 20 रुपीज एंड ऑन अ बैट इज 10 रुपीज. तो ये प्रॉफिट हम एड कर देंगे यहाँ पे टेबल में. 20 रुपीज जो है वो रैकेट पे है प्रॉफिट और 10 रुपीज जो है वो उस पे है बैट पे. अब फर्स्ट पार्ट के लिए वी विल फ्रेम द कॉन्स्ट्रेंट्स. हमने जेड को तो मैक्सिमाइज कर लिया. अब इक्वेशन जो हमारी इनइक्वालिटीज बनेंगी दैट विल बी 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 45 42 एंड द सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24. आप चाहो तो ये वाला डेसिमल यहाँ से रिमूव करके इनके साथ लगा के देन उसको जो है 15 से डिवाइड करके लिख सकते हो. अदरवाइज साथ में जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपने लेने ही लेने हैं. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट बनेगा. सेकेंड पार्ट के लिए ये कॉन्स्टेंट्स आपके सेम रहेंगे, ओनली द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है दैट विल चेंज. तो सेकेंड पार्ट के लिए प्रॉफिट मैक्सिमम लेना है तो मैक्सिमाइज करना है हमने प्रॉफिट को. तो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना गिवन है 20 रुपीज ऑन अ टेनिस रैकेट. तो 20 इंटू एक्स रैकेट हमने प्रोड्यूस किए 20x और 10 रुपीज क्रिकेट बैट पे है. वाई नंबर ऑफ बैट्स प्रोड्यूस हुआ है तो दैट इज 10y. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया हमारा 20x प्लस 10y जिसको हमने क्या करना है मैक्सिमाइज करना है. कॉन्स्टेंट्स सेम रहेंगे जो चार यहाँ थे, सेम फोर इन इक्वेशंस आपकी यहाँ पे आएंगी. इनको आप सिंप्लीफाई करोगे एंड देन आप ग्राफ प्लॉट करोगे. ग्राफ सेम दोनों के लिए प्लॉट होगा, कॉर्नर पॉइंट्स दोनों के लिए सेम यूज होंगे. ओनली डिफरेंस इज जो आप जेड में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करोगे वहां से आपकी जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी. तो अकॉर्डिंगली योर आंसर विल चेंज. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अगेन क्योंकि अनबाउंडेड बन रहा है तो वी विल नॉट डू दिस क्वेश्चन फॉर द मेकिंग ऑफ ग्राफ. सिर्फ फ्रेमिंग द इनइक्वालिटीज करनी है इसकी. इसमें जो इट मींस आपके डिलीटेड है फॉर ग्राफ जिनका ग्राफ आपने नहीं बनाना दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10. 1, 4, 9, 10 का आपने ग्राफ नहीं बनाना है. अब होमवर्क के लिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की फ्रेमिंग करना और क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डू टुमारो. इफ एनीवन